प्रिय भक्तों, यदि आप लोग भगत हैं, ओझा है और आप लोग लोगों का कल्याण करते हैं, झाड़ फूँक करते हैं या आपके ऊपर देवी देवता की सवारी आते हैं, देवी देवता में आपके कुल देवी देवता की सवारी आते हैं, आपके ग्रामीण देवी देवता की सवारी आते हैं और आप लोगों को भलाई करते हैं, यानी कि आप एक कुल मिलाकर के भगत है, ओझा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि इस वीडियो में हम एक ऐसी जानकारी दे रहे हैं जिसको हर भगत को जानना जरूरी है। यदि वह इस जानकारी को जानते हैं तब तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो जानना चाहिए, नहीं जानेंगे तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। वह क्या चीज है, आइए जानते हैं। कई लोगों के ऊपर देवी देवता की सवारी आते हैं, अच्छी बात है कि देवी देवता की सवारी आते हैं, तो सर्वप्रथम क्या होता है कि कई लोगों के ऊपर देवी देवता की नाम बेच करके सवारी आते हैं, यानी कि एक ऐसी शक्ति होती है जो अनेकों देवी देवता के नाम बेच करके आते हैं। मान के चलिए किसी के ऊपर कोई जिन्न है, जिन्नात है, तो वह अनेकों देवी देवता के नाम लेकर के लोगों को ठगते हैं और अनेकों रूप रंग से खेल करके उनके देह पर आते हैं। तब होता है क्या कि वह हर जगह पे पकड़ में नहीं आता, हर जगह पे पकड़ में नहीं आता, देखने वाले को भी भ्रम में डाल देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और कई लोग भूत को पूज करके, प्रेत को पूज करके भगत बन जाते हैं और कहते हैं कि हमारे ऊपर महामाया की कृपा है इसलिए हम ऐसा करते हैं और लोगों को भलाई करते हैं। तो वह भूतों की कृपा से लोगों को तो भलाई कर देते हैं परंतु अपना भलाई कभी नहीं कर पाएंगे। इसलिए यदि उनको स्वयं की रक्षा चाहिए तो देवी देवता ओरिजिनल होने चाहिए, जो कि हर एक साधक को नहीं होते, हर एक भगत को नहीं होते। भगत लोग क्या करते हैं कि एक उतावलापन होता है, एक उतावलापन होता है कि हमको भगत बनना है, जोश होता है अंदर से, पूरा व्याकुल रहते हैं कि हमको इस शक्ति को पाना है, इस चीज को करना है। इसलिए वह ओझा भगत के पास जाते हैं और उनसे जानकारियां प्राप्त करके अपने ऊपर सवारी लेते हैं। तो जो व्यक्ति जानकार होते हैं वह शुरू शुरू में देवी देवता उखाड़ने की कोशिश करते हैं उसके ऊपर, यदि उनके ऊपर देवी देवता है तो, नहीं तो वह व्यक्ति ये डिसाइड करता है कि हमारे ऊपर किसी भी प्रकार की शक्ति को ला करके हमको भगत बना दिया जाए। तो क्या करते हैं कि जो ओझा भगत करते हैं कि उसके ऊपर किसी भी प्रकार की शक्ति को बुला दिया जाता है और उनके ऊपर सवारी आना स्टार्ट हो जाता है और अगरिया किसी शक्ति को बना करके लोगों को भलाई करने के लिए उकसा दिया जाता है और उस बंदे को देवी देवता की नाम बेच करके भलाई करने के लिए उकसा दिया जाता है। उस बंदे को यहाँ तक पता नहीं होता कि हम जो खेल रहे हैं वह कोई शमशान की शक्ति है। उस बंदे को यह भी नहीं पता होता है कि यह कोई मायावी शक्ति है जो हमसे छल कर रहा है, देवी देवता के नाम बेच करके छल करके उसके साथ धोखा करके वह लोगों को कल्याण करने के लिए, भलाई करने के लिए उसको प्रेरित करता है वो शक्ति। और होता यह है कि कई जगह पर वह शक्ति सक्सेस होता है और कई जगह पर उस शक्ति को भागना पड़ता है, क्योंकि वह रियल शक्ति है नहीं तो वहां से उसको भागना पड़ेगा। क्योंकि वह बहुत जगह पर जाते हैं तो कई लोगों का कहना है कि हमारी दृष्टि नहीं खुलता,
जिसकी दृष्टि खुली हुई होती है, जो वही माया शक्ति से जिसको दिखाई देता है, वह हर जगह नहीं देख सकता, क्योंकि हर जगह पे वो शक्ति उसकी जाएगी नहीं। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि वह शक्ति जो है वह रियल नहीं है, वह तो छलावा है, और छलावा हर जगह पे नहीं पहुंचेगा। तो देवी देवता को जब तक आप नहीं बुलाते, तब तक देवी देवता आपके ऊपर नहीं आते हैं। यदि कई लोगों के साथ में होता यह है कि मौलाना की शक्ति, शमशान की शक्ति, कब्रिस्तान की शक्ति, कुछ ऐसे इधर उधर की शक्ति जो होते हैं, जो भटकते रहते हैं ना रास्ते पर, वैसा शक्ति किसी को साथ में सता हो जाता है, तो वह शक्ति उसको ऐसे ऐसे चमत्कार दिखाना शुरू कर देते हैं सपने में, चाहे हकीकत में उसको आभास कराना शुरू कर देते हैं, और वह व्यक्ति उस शक्ति को देवी देवता मान लेते हैं मन ही मन कि कोई देवी होगा, कोई देवता होगा जो इस तरह के हमको आभास कराते हैं या ऐसा कुछ है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, और वह भूत, वह प्रेत जो है उस व्यक्ति को भ्रम में रखता है और कई लोगों को कल्याण करने के लिए प्रेरित करता है। तो वह भूत प्रेत प्रेरित करता है और वो बंदा लोगों को भलाई करता है, तो उसमें भूत को भी फायदा होता है, क्योंकि जो वह गद्दी चौकी लगाएगा तो जो शक्ति से उसने काम किया है, तो जो शक्ति काम करेगा वह तो अपना हक ले ही लेगा, तो इसलिए उसको भी फायदा है। तो ये सब गुप्त बातें हैं हर जगह पे, तो ऐसी बातें नहीं बताए जाते, लेकिन तब सच्चाई सामने आता है जब किसी गुरु के पास में जब लोग जाते हैं। ओझा भगत की जो चेला होते हैं वो किसी गुरु के पास में जाते हैं, जैसे कि साधक हो गए, साधिका हो गई, तांत्रिक हो गए, अवधूत हो गए, जोगी बाबा हो गए, मतलब कि कुछ पहुंचे हुए जो जानकार लोग हैं उनके पास यदि पहुंचते हैं इस तरह के लोग, तो सच्चाई सामने आ जाता है कि भाई देख, तेरे साथ तो देवी देवता है नहीं, तेरे साथ तो भूत प्रेत है। तो भूत प्रेत से कहाँ तक दौड़ोगे, एक न एक दिन तो यही चीज तुम्हें पछाड़ेगा। तो इसलिए देवी देवता की खोज आज से ही तलाश कर दो, यदि समय रहते उसे पता चल जाता है तो, यदि समय रहते उसे पता नहीं चलता तो वह व्यक्ति इसी भ्रम में रहता है कि हमारे साथ तो देवी देवता है, लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है। बहुत लोग कहते हैं कि हमारे साथ देवी देवता है तो हमें क्या कुछ कोई बिगाड़ लेगा, तो बिगाड़ने वाला बहुत कोई है जो बिगाड़ लेता है, तो ऐसा कहना नहीं चाहिए। तो आप लोगों को अभी तक ये पता नहीं है कि हमारे साथ जो सवारी आते हैं वह किसकी सवारी आते हैं, क्या कोई छलावा है, क्या भ्रम है, क्या चीज है, जानना चाहते हैं, तो हम ये नहीं कहते हैं कि आप मेरे पास आइए। आप किसी भी जानकार व्यक्ति के पास जाइए, न कि ओझा भगत के पास जाइए। ओझा भगत के पास कुछ नहीं रहता, बस किसी किसी ऐसे ओझा भगत हैं जिनके पास में कुछ गुण है, शक्तियां है, विद्या है, वो आपको सच्चाई रास्ता बता देंगे। लेकिन नए नए में क्या होता है कि उतावलापन ज्यादा होता है, तो उसको भ्रम को काटने की शक्ति भी नहीं होता। किसी किसी के पास में आ जाते हैं तो भ्रम माया को शक्ति को काटते हैं, लेकिन जब तक भ्रम और माया की शक्ति को नहीं काटेगा, सच्चाई दिखेगा नहीं कि पर्दे के पीछे है कौन। तो पर्दे के पीछे कौन है ये जानना जरूरी है, और ये जानना है तो जानकार व्यक्ति के पास जाइए, वो आपको सब कुछ बता देंगे कि हाँ आपके साथ में देवी देवता है या फिर कोई दूसरा शक्ति है।